देश में शिक्षा का अलग जगाने के लिए और बच्चों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुंचाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है। सरकार अपने स्तर से जागरूकता अभियान चला रही है और यूनिसेफ के द्वारा भी बच्चों के साथ साथ उनके माता पिता को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी दरमियान यूनिसेफ के द्वारा कस्बा में जागरूकता अभियान के दरमियान एक स्कूल में बच्चों एवं अभिभावकों को प्रोजेक्ट के माध्यम से छोटी छोटी फिल्में दिखाकर उन्हें पढ़ाई के प्रति जागरूक किया गया। बताया गया कि कविताएं, पोस्टर इत्यादि दिखाई गई, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि अभिभावक शिक्षा के प्रति जागरूक हों और अपने बच्चों को सही तरीके से स्कूल भेजें और स्कूल में शिक्षक बच्चों को सही तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे पाए। इसके लिए खासतौर से बच्चों को, उनके माता पिता को जागरूक किया गया। साथ ही शिक्षकों को भी बताया गया कि वो किस तरह से बच्चों को प्रभावी तरीके से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे सकते हैं। विशेष रूप से हम लोगों ने अभी कुछ सामग्रियां बनाई हैं और वो माता पिता के लिए बनाई हैं कि माता पिता कैसे समझ पाएं कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, प्रगति हो रही है, नियमित स्कूल जा रहे हैं कि नहीं, और अगर नियमित जा रहे हैं तो मेरा बच्चा क्या सीख रहा है। यही अभी उद्देश्य था और इसके लिए हम लोगों ने कुछ सामग्रियाँ यहाँ विकसित की हैं दीपायतन की तरफ से यूनिसेफ के साथ मिलकर, और कई तरह की सामग्रियाँ हैं। कुछ फिल्में हैं, छः छोटी छोटी फिल्में हैं, फ्लिप चार्ट हैं, पोस्टर्स हैं, कुछ कविताएं हैं, गीत हैं, कहानियां हैं, और इनके माध्यम से हम माता पिता को संदेश देना चाहते हैं, उनके बीच एक संवाद देना चाहते हैं कि आप भी अपने बच्चों के नियमित स्कूल जाने में सहभागी बने, सहयोगी बने। और आप जान सकते हैं कि आपका बच्चा अगर नियमित स्कूल जाता है तो उसका विकास हो रहा है, उसकी प्रगति हो रही है, वो अच्छे से सीख रहा है। ये छोटी छोटी बातें माता पिता को भी समझाना ज़रूरी है जो आज तक इस तरह के काम हम लोग नहीं कर पाए थे। तो कोशिश ये है कि कम पढ़े लिखे माँ बाप भी इस चीज़ को समझें। पढ़े लिखे तो समझ जाते हैं कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है, वो ज़्यादा अवेयर है, लेकिन ये कह के कम पढ़े लिखे माँ बाप निकल जाते हैं कि हमको तो क्या समझ है, हम तो पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन इस तरह की चीज़ें अभी विकसित की गई हैं, उनको भी तुरंत समझ में आ जाए अगर बच्चा कुछ स्कूल में सीख के आया, कोई कविता सीख के आया या कोई आकृति सीख के आया, तो माँ बाप भी देख सकते हैं कि हाँ गोलाकार सीखा है तो अच्छा ये कुछ प्रगति हुई है उसको, या कोई गीत सीख के आया तो कुछ आज उसने स्कूल में सीखा है। इसी तरह की बहुत सारी सामग्रियाँ हम लोगों ने विकसित की हैं और उसका क्षेत्र परीक्षण हम कर रहे थे। इसको प्रिंट होने के पहले, इसको फाइनल रूप देने के पहले फील्ड टेस्टिंग होती है, और वही अभी हम लोगों ने यहाँ पूर्णिया में की है, आज यहाँ है, कल बिशनपुर में है, और इसके पहले हम लोग वैशाली जिले में भी क्षेत्र परीक्षण कर चुके हैं। क्या जिला में पहला ये किसी भी जगह बिहार में ये इस तरह का पहला प्रयास हुआ है यूनिसेफ के माध्यम से, और उनके एक सहयोगी के रूप में हम लोगों ने काम किया है। पिछले 6-7 महीनों से इस तरह की सामग्रियाँ विकसित हुई हैं और अब समय आया है कि उनके प्रिंट होने के पहले इसको हम फील्ड में लोगों के पास ले जाएं कि कितनी उपयोगी होंगी, इसका एक परीक्षण करें